लक्षण उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, वहीं भारत में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बॉर्डर पार से लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है। आमजन को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। अगर किसी व्यक्तियों को शादी समारोह या अन्य कार्यक्रम में एक राज्य से दूसरे राज्य आना जाना हो तो उन्हें आइसोलेट या होम क्वारंटाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉर्डर पर तैनात कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि किसी भी आमजन को बेवजह परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या क्या था मेडिकल टीम के साथ बॉर्डर का, तो इसमें क्लियर डायरेक्शन कि जो भी व्यक्ति अन्य स्टेट से उत्तराखंड आना चाहता है तो उसको एक तो प्रॉपर अपना स्मार्ट सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विदाउट रजिस्ट्रेशन। जो भी हमारे बॉर्डर एरिया है विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा। और दूसरा, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है, अगर कोई व्यक्ति 7 दिन से कम के ड्यूरेशन के लिए आना चाहता है, कहीं अस्थि की सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है या फैमिली प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 दिन के लिए आ रहा है, तो उस व्यक्ति को फैसिलिटी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। और उससे बॉर्डर पर एक अंडरटेकिंग भी ली जा रही है कि मैं इस पर्पज से आ रहा हूँ और मुझे 1 या 2 दिन के बाद वापस जाना है। बाकी जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसको उस व्यक्ति के द्वारा फॉलो किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर स्थायी से निवास करने के लिए आता है तो उसको जो फैसिलिटी क्वारंटाइन की जो गाइडलाइन है उसका पालन।